हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पे। तो फाइनली मैं नेल ग्रोथ का वीडियो लेकर के आई हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे नेल ग्रोथ पे वीडियो चाहिए, लॉन्ग नेल्स की रेमेडी चाहिए। तो मैं इस चैनल पे रेमेडी लेके आई हूँ, बहुत ही स्पेशल रेमेडी है। तो हालांकि मैं पहले जो लेके आई हूँ वो दूसरे चैनल पे है, बट काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स यहाँ पे नेल ग्रोथ के हैं और उन्हें पता नहीं है कि मेरा दूसरा चैनल भी एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पे। तो मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो इस चैनल पे लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो है रेमेडी है, और ये रेमेडी में जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्पेशल चीज़, वो है टमाटर। अब आप सोचो कि टमाटर से कैसे नेल्स लॉन्ग हो सकते हैं यार, तो डेफिनेटली होते हैं। और कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मैं जो सोच रही थी कि मैं इस चैनल पे नेल ग्रोथ के वीडियोस लेके आती हूँ, और वो वाला जो नेल आर्ट्स वाला है उसको हम नेल आर्ट्स पे ही रहने देते हैं, वो उस पे नेल ग्रोथ नहीं लेके आते, ठीक है। बट अगर आप फिर भी नेल आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो या नेल ग्रोथ की टिप्स वगैरह कभी कभी वहाँ पे आ सकती हैं, तो आप मुझे वो वाले चैनल पे भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और उसका इंस्टाग्राम का भी जो अकाउंट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मुझे दोनों जगह पर फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बोला कि यहाँ पे मैं मेन इंग्रेडिएंट टमाटर यूज़ करने वाली हूँ। अब काफ़ी लोगों को क्या है ना, पता नहीं है, पर टमाटर में भी ना काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो कि हमारे नेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। और वैसे मैं हमेशा लेमन लेती हूँ, और मैं कहती हूँ लेमन ही आपके जो नेल्स को है वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसी से मैंने नेल्स को ग्रो करना स्टार्ट किया था। पर टमाटर से मैंने अपने ऑलरेडी ग्रो नेल्स को, यानी कि जो मेरे पहले से ग्रो करते थे, ऐसे नहीं कि ग्रो नहीं करते थे, करते थे, पर मैंने उनकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था टमाटर को यूज़ करके। तो ये बहुत अमेजिंग है टमाटर, ये आपके नेल्स को शाइनी भी बनाता है, काफ़ी ज़्यादा आपके जो नेल्स हैं वो शाइन करना स्टार्ट करते हैं अगर आप इसे यूज़ करते हो तो। और साथ ही साथ में अगर आपके नेल्स बहुत स्लो ग्रो करते हैं ना, तो आप ना ये जो है ना उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो आपको क्या करना है, टमाटर का जो अंदर का जूस आता है वो लेना है, फिर बाकी का टमाटर यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे डालने वाले हैं ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल भी आपके नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपके नेल्स को मॉइस्चराइज़ करता है और आपके नेल्स में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट ऑयल रहता है। तो ये आपके नेल्स में एब्जॉर्ब होके आपके नेल्स को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपके क्यूटिकल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी रखता है। तो हम यहाँ पे जो है इसी टमाटर के जूस में ऐड कर देंगे और इसे हम ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप ये जो टमाटर का जूस है ना, ये जो हमने रेमेडी यहाँ पर बताई है ना, वो आप ना इसे स्टोर करके रख सकते हो, वो भी फ्रिज में एक हफ़्ता आराम से एक हफ़्ता चल जाएगा। और जब ये ख़राब होना स्टार्ट होगा ना, तो इसमें से स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको पता चल जाएगा एक हफ्ते से ज़्यादा भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप इसे ईजिली स्टोर भी कर सकते हो, और आपको इसे ना अप्लाई करना है अपने हाथों पर। और मैं नहीं कहती आपको इसे रात भर रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रात भर नहीं रखना है, आपको क्या करना है, इसे ना अपने नेल्स पे लगाना है और इसे मसाज करनी है कम से कम 10 मिनट तक। 10 मिनट मसाज करने के बाद आपको इसे वॉश कर लेना है, ठीक है। नहीं, 10 मिनट मसाज करनी है, 10 मिनट मसाज करने के बाद आपको इसे 20 मिनट के बाद वॉश करना है। हाँ, मतलब टोटल 30 मिनट। हाँ, तो 30 मिनट के बाद आप इसे वॉश कर लो। अच्छा, ये ना सूख भी जाता है ना, ऑयली ऑयली थोड़ा सा रहता है पर सूख जाता है, तो आपको उतना ज़्यादा असर, मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आप 20 मिनट ईजिली रख भी लोगे, बट अगर आप नहीं रख पाते हो तो आप इसे 15 मिनट रख सकते हो। आपको इसे डेली करना है, और डेली कब तक करना है, 15 दिन तक करो। 15 दिन में आपके नेल्स की जो ग्रोथ है वो इतनी स्पीड, मतलब इतनी बढ़ जाएगी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है इससे। और तो 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, इसे ना वॉश कर लेना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट है वो 15 डेज़ के अंदर आपको नज़र आएगा, कि अगर आपके नेल्स ज़रा भी ग्रो नहीं होते हैं तो काफ़ी स्पीड से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक हेल्थी जो लेयर है नेल्स की, वो एक हेल्दी लेयर आपको नज़र आएगी, साथ ही साथ में क्यूटिकल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपको ये दिन में कितनी बार करना है, तो कम से कम एक बार करो, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार करो, बट कम से कम एक बार तो करो ही करो, गैप मत करना किसी भी दिन, ठीक है। लगातार करोगे तो 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आपके नेल्स हो जाएंगे, आप बिलीव भी नहीं करोगे इतने मस्त नेल्स आपके इतनी जल्दी हो गए। तो चलो, ये रेमेडी ट्राई ज़रूर करना, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ट्राई करने के बाद ही बताना, तुरंत भले कॉमेंट ना करो बट बाद में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।